और इसी बीच हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये ताजा तस्वीरें हैं नासिक से, जो 350 से ज्यादा मजदूर भोपाल अपने शहर लौटे हैं। जो मजदूर तो किस तरीके से वो लौटे, उसके बाद की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये तमाम मजदूर बहुत दूरी पर बैठे हुए हैं। और जैसा कि स्वराज एक्सप्रेस ने कुछ देर पहले भी इस खबर को दिखाया था, जहां पर इन मजदूरों को लाने को लेकर के जो प्रशासन ने तैयारी की थी, उसमें पहले इनका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था। तो सबसे पहले इन तस्वीरों को स्वराज एक्सप्रेस दिखा रहा है आपको। ये ताजा तस्वीरें हैं नासिक से, 350 से ज्यादा मजदूर अपने घर यानी अपने शहर भोपाल लौट आए हैं। ये रेलवे स्टेशन की कुछ तस्वीरें हैं और आप तस्वीरों में देखिए मजदूरों के साथ में उनके कुछ बच्चे भी हैं। यानी इन 350 से ज्यादा मजदूरों को जब लेकर के आया जा रहा था तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इसमें कराया गया उनसे, और जब जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे उसके बाद भी जो डिस्टेंस का ख्याल रखना है वो वहां पर भी उन्होंने रखा। और जैसा कि हमने आपको खबर में इससे पहले भी बताया था कि इन मजदूरों को ट्रेनों में जब बिठाया गया था तो ट्रेनों में बिठाए जाने से पहले उनकी स्क्रीनिंग हुई थी, जिसमें ये चेक किया गया था कि इनमें से किसी को लक्षण तो नहीं है। और जैसा कि गाइडलाइन के मुताबिक या फिर जो कानून है उसके मुताबिक, जो भी लक्षण अगर किसी मजदूर में पाया जाता है तो उसे भोपाल के लिए नहीं रवाना किया गया था। यानी चिन्हित करने वाले 350 से ज्यादा जो मजदूर थे उन्हें ही ट्रेन में बिठाया गया था। और आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर भी एक बार फिर से इनकी स्क्रीनिंग होगी यानी कि टेस्ट होगा। ज्यादा जानकारी के साथ संजय डूंगर दिव्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, जैसा कि 350 से ज्यादा मजदूर भोपाल लौट आए हैं, किन गाइडलाइन का ध्यान में रखते हुए इन मजदूरों को यहां पहुंचाया गया है और क्या यहां पहुंच जाने के बाद भी इन पर नजर रखी जाएगी? बिल्कुल बुशरा, अगर हम देखें तो जिस प्रकार 350 से ज्यादा जो मजदूर हैं ये नासिक से आज भोपाल पहुंचे हैं, बुशरा इसमें कई चीजें देखने लायक है कि सरकार और केंद्र सरकार की जो योजना रही या कह लिया जाए जिस प्रकार से इन मजदूरों को लाया गया, एक तो इनको बिल्कुल सोशल दूरी का ध्यान रखा गया और इनको उसी हिसाब से लाया गया। लेकिन मजदूरों की जो पीड़ा रही वो सबसे ज्यादा यह रही कि जिन जहां उन लोगों ने 2 महीने से जिनके पास काम नहीं था और उन्हें कई लोगों को इसका जो इसका टिकट लेना पड़ा वो बहुत बड़ी वो भारी पड़ गया। मजदूरों को यहाँ पे आरोप लगाते हैं कि अगर हम लोग जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे आ सकते हैं, ये देखने वाली बात है। सरकार ने कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ फ्री लाना था लेकिन सरकार ने हमारी वो सुविधा नहीं दी और हमसे पैसा लेकर यहाँ लाया गया। बुशरा यहाँ पर जब लाया गया मजदूरों को यहाँ से लाकर A12 और एक एक आदमी को यहाँ पे टेस्ट किया गया, उसका स्कैनिंग की गई, उसका मेडिकल टेस्ट किया गया, उसके बाद इन्हें अपने अपने जिले में भेजा गया। बुशरा राजधानी ने सबसे अच्छी व्यवस्था यही की कि जब ये 5:30 बजे यहाँ पहुंचे हैं इनको नाश्ते पानी के साथ अधिकारियों ने इनके लिए व्यवस्था की थी और इनका स्कैनिंग करके इनको अपने अपने जिले के लिए यहाँ से AC बसों के द्वारा यहाँ से अपने अपने जिलों में भेजा। लेकिन वहां पे भी इनको बताया गया कि अगर इन्हें कोई भी परेशानी या किसी भी प्रकार के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो इन्हें भी क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। अभी ये 14 दिनों के लिए अपने अपने क्षेत्रों में क्वारंटाइन रहेंगे। बुशरा यहाँ एक सरकार एक ये जो अधिकारी की एक चीज जरूर देखने को मिली कि उन्हें अपनी जो दूरी का एक एहसास हुआ कि अधिकारी जो वहां जो मजदूर जो आए थे वो कहीं ना कहीं एक अपने मन में भी कसक लेके बैठे हुए थे कि यार जो उन्हें यहाँ पे सुविधाएं मिलनी थी उसमें उन्हें कमी दिखी और यहाँ लाकर उन्हें कहीं ऐसा लगा कि कहीं हम लाकर कहीं अपनी रोजी रोटी जो बरसों से वहां कर रहे थे उसके बाद यहाँ आए हैं और आगे प्रदेश में भी क्या उनको रोजी रोटी मिलेगी या नहीं। कई मजदूर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं और उनका यही कहना है कि सरकार ने सुविधाएं जो दी थी उसमें बहुत कमी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं इन्हें और अधिक आशाएं थी जो उन्हें नहीं मिल पाई। जी बुशरा, चलिए संजय बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 350 से ज्यादा मजदूर हैं जो अपने शहर भोपाल लौट करके आ गए हैं। बहुत सारी सावधानियां बरती गई जिसके बाद ही मजदूरों को लेके आया गया है।
सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं मजदूरों में इस बात का मलाल है क्योंकि वो रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं, ऐसे में उनके लिए अब भी रोजी रोटी का संकट बना हुआ है जो बड़ा सवाल है। यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।